इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आलिकरा एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी बेलगाम की काफ़ी अरसे से समाजी खदमात अंजाम देने वाला इदारा, इसका कयाम 22 साल पहले अमल में आया था। तब से आज तक अलीकरा मुस्तकिल इल्मी, समाजी और मेडिकल मैदान में अपने खदमात को बखूबी अंजाम दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई, बाढ़, हादसात, कुदरती कहर में अलीकरा हमेशा सफ़े अव्वल में अपने खदमात अंजाम देता आया है। वैसे बेलगाम शहर में हर इदारा अपनी जगह पर मुस्तहक और काबिल तारीफ है। इससे पहले केरल की बाढ़ हो या लॉकडाउन या फिर दौरे कोरोना में अलीकरा वेलफेयर ने खिदमात बढ़ चढ़ कर अंजाम दिए। सबसे अहम जो कोरोना के दौर में एम्बुलेंस खिदमात काबिल तवज्जो रही। बेलगाम शहर और बढ़ती आबादी के मद्देनज़र एम्बुलेंस की कमी को महसूस किया जा रहा था। तब हमेशा अलीकरा और दिगर इदारों की जानिब से मेडिकल इमदाद की कोशिश जारी रही। सबसे पहले कलाम मनियार को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद, जिन्होंने इससे पहले भी एम्बुलेंस के लिए इमदाद की थी। इससे पहले वालिद मरहूम इस्माइल उर्फ पापुल मनियार के नाम से इन्होंने एम्बुलेंस बेलगाम वालों की खिदमात में पेश की थी और अब इनकी वालिदा मरियम भी मनियार के नाम से एम्बुलेंस दी है। आज अंजुमन इहाते में इस शानदार इजलास का अहतमाम किया गया था, जिसमें सदर अंजुमन जनाब आसिफ राजू सेठ, अब्दुल गफूर घी वाले, अब्दुल खादर घी वाले, अशफाक गोहरी, रऊफ बागेवाड़ी, बाबूलाल मुजावर, जावेद पठान और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। अलीकरा के कुल 5 एम्बुलेंस अंजुमन इहाते में इस वक्त मौजूद थी। मोबाइल क्लिनिक और एम्बुलेंस को आवाम की खिदमात में पेश किया गया। जनाब आसिफ राजू सेठ ने ख़ास तौर से कलाम मनियार और इनके फैमिली का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। दिगर मेहमानों में बाबूलाल मुजावर और शाहिद मेमन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।